जब मैं आपके यहां आ रहा था और सुबह जब मैं उठा और अखबार को मैंने देखा, हालांकि अंग्रेजी अखबार तो यहां कोई नहीं पढ़ता होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हमारे पत्रकार साथियों को तो पता होगा। लेकिन जैसे ही मैंने सुबह 6 बजे अंग्रेजी अखबार उठा करके देखा, उसमें जो फ्रंट में सबसे बड़ी खबर थी वो खबर कांग्रेस पार्टी के नेता के नाम से मिलती जुलती खबर थी, जिनके नाम में ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप। और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों ये बात पढ़ने में अंग्रेजी का जो कली इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो छपा है, मुझे नहीं पता कि मध्यप्रदेश की जनता इस बात को कैसे लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझती है। अगर दूर से भी कोई बात कही जाती है तो जनता समझ लेती है कि किस दिशा में आप जा रहे हो। जिनके नाम पे ही कमल हो तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप, वो बीजेपी की भाषा ही बोलेंगे, कोई दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। और हमें जो जातिवादी कह रहे हैं, समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं हो सकते, समाजवादी लोग तो हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़ करके साथ चलने का काम करते हैं, वो कभी जातिवादी नहीं है। अगर कोई पलटी मार रहा है अपने सिद्धांतों कार्यक्रमों से तो वो दूसरे दल है। हमने अपने पहले वादे में कहा है और मैं आज कह रहा हूं आपसे, जो सभी दल इस पर बोलने लगे हैं, हमारी पार्टी का मानना है कि जब कभी भी हम लोग सरकार में आएंगे या सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, सबसे पहले अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो फैसला होगा कि हमारी जातियां गिनी जाए और जातियां गिन करके जिसकी जितनी आबादी है उसके साथ उसको हक का मान मिलना चाहिए।